बदायूं में दो बच्चों की हत्या के आरोपी साजिद की पत्नी का बयान सामने आया है। साजिद की पत्नी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जबकि आरोपी ने पत्नी के प्रेग्नेंट होने का बहाना बताकर पैसे मांगे थे। अब पत्नी के इस खुलासे से केस में नया मोड़ आ गया है। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी, क्या बातचीत हुई? 8 दिन हो गए तब बात हुई। क्या बातचीत हुई? कुछ हर साल पूछ लेते और क्या बात होती। बोल दो। तो आपको कब पता लगा ये बच्चों के बारे में, साजिद के बारे में कुछ जानकारी? सुबह पता लगा। उनका कहना है कि आप गर्भवती थी जो FIR में। क्या आप गर्भवती हैं? गर्भवती नहीं है। साजिद ने कहा 5,000 रुपए लेने गया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है, बच्चा होना है आज। ऐसी कोई बात है ही ना। तो तंत्र मंत्र भी कत्ल के पीछे एक वजह हो सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। नकी न्यूज 18 का यह दावा आया। पूरी घटना कब कैसे हुई आइए इसे भी समझ लेते हैं। मेरे आयुष को ले गया ऊपर, अकेले काट दिया, फिर ले गया आन से मंगाया पानी शराब का पौआ, ले गया शराब पी उसने और मेरे आन को भी काट दिया। जे बोला जे चीख जे गया छोटा वाला बीच वाला, चीख कैसी आई, अरे भैया क्या कर रहे हो, तब ही उसका मुंह ऐसे पकड़ लिया इसका, इसने जो ऐसे धक्का मारा गिलास टूट गया, कांच का शराब पी थी, बुलेट पे वो फिसल गया, तभी जो भाग आया। जे पूछी जाए हमारे जे उसे कि हमारी गोलों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको, जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे, उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलकर मांगे 5,000 बाबे। जावेद ने अब आने पैसा मांगे, हमारी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, दादे 11 बजे को टाइम दो डिलीवरी हो, तो हमने इनके पापा से फोन करो आई उसके, तो बोले दही दो कोई बात ना, वो दही देखो सवेरे उस सही लड़का है। मैंने 5,000 निकाले दुकान में से, हमने दे दे बहू वहाँ से आओ इधर ऐसे यहाँ खड़ो ही गो, यहाँ से यहाँ खड़ो रहो कुल देर, जो बोलो टाइम पास ना रहो फोन लगा रहो फिर भी लगा रहो, जो कत कत बाल कर बहला ही चलो गो दुकान में घुसी गो, वहाँ वहाँ देखो वहाँ बाजे करके फिर भी लाई गो छत्ती पाए, छत्ती पाने पे कतरी से काटे दोनों मारे, दोनों पे कतरी से काटे वो घर पर आया था मदद मांगने। मदद मिली भी। लेकिन उसके जहन में हैवानियत भरी थी, ऐसी हैवानियत जिसने ना उम्र देखी, ना संबंध और संपर्कों का ना ही लिहाज रखा। वो मासूम जिसे देखकर यूं ही दुलारा जाए, उसे भी बेरहमी से कत्ल करने में उसके हाथ नहीं कांपे। यूपी का बदायूं शहर, वक्त शाम करीब 7:30, दिन मंगलवार, तारीख 19 मार्च 2024। बाल काटने की दुकान चलाने वाला 20-25 साल का साजिद अपने भाई जावेद के साथ दुकान के सामने रहने वाले आयुष और अहान के घर पहुंचा। दो मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर उसकी मुलाकात सबसे पहले मासूमों की दादी से हुई। बोला 5,000 रुपए उधार चाहिए। दादी ने बच्चों की माँ की तरफ इशारा किया और माँ ने पति को फोन करने की बात कही। साजिद इंतजार करने के लिए घर की पहली मंजिल पर चला गया, जहां बच्चों की मां पार्लर का काम करती है। इस दौरान साजिद का भाई जावेद नीचे ही रहा। घर पर आए मेहमान के लिए 6 साल का मासूम अहान पानी लेकर पहली मंजिल पर पहुंचा और जब तक वो कुछ समझ पाता, इस दरिंदे ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक के बाद एक कई हमलों से मासूम ने तड़पते हुए वही दम तोड़ दिया। मंजिल से आई आवाज सुनकर 11 साल का भाई आयुष पहुंचा।
लेकिन दरिंदे ने उसको भी संभलने का मौका नहीं दिया और बड़ी ही बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया। भाई के पीछे पीछे पीयूष भी पहुंचा, जो मासूम आहान से बड़ा और आयुष से उम्र में छोटा है। दरिंदे ने फिर उस पर धावा बोला, उसे चोट लगी लेकिन किसी तरह वो जान बचाकर भाग निकला। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। दुकान जाती थी उसकी कभी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे, इन्हीं का ज्यादा देखा। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई भाई। अच्छा, दो मासूमों की हत्या के बाद दोनों आरोपी भाई घर से भागने लगे। मोहल्ले के लोगों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन साजिद और जावेद फरार हो गए। लोगों की भीड़ बच्चों के घर पहुंची जहां मातम फैला था, बेसुध दादी और माँ अवाक। पीयूष को देखकर लोगों का दिल कराहने लगा, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर मासूमों के शव पर पड़ी, करुणा और दर्द से भरी भीड़ आक्रोशित हो गई। लोगों का गुस्सा शहर की सड़कों पर दिखा, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और हर तरफ कोहराम मच गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं इस वक्त उस घर के अंदर मौजूद हूं जिस घर के घर ने अपने दो नाबालिग बच्चों को खो दिया है। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि दोनों ही बच्चों के जो पार्थिव शरीर हैं वो यहां पर लाए जा रहे हैं और तस्वीरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। एक माँ है, नाम उनका संगीता है, जो अपने लाडलों को जिगर के टुकड़ों को खो चुकी है। और जब से हम यहाँ पहुँचे हम सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आ रहा है लिपट लिपट के उनकी माँ से रो रहा है। बहुत बुरा हाल उनकी माँ का है, दादी का है, और बीच बीच में वो बेहोश हो जाती है, थोड़ा पूरी शुद्ध उनको आती है तो फिर से बच्चों को याद करती है और लगातार रोए जा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो दर्द, क्योंकि उस माँ ने अपने उन दोनों बच्चों को खून से लथपथ हाल में देखा है और अब वो उन तस्वीरें उनके बार बार रह उनके सामने आ रही हैं, तो वो अब दर्द के तौर पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये पूरा घर करीब दो मंजिल का घर है, इसी घर में ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ। और लेकिन फिलहाल अब ताज़ा जानकारी ये है कि यहाँ पर अब जो बच्चों के पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ पर है। तमाम जो सबूत थे वो ऊपर उस पार्लर से जुटाए गए हैं जहाँ पर जो संगीता अपना पार्लर चलाती थी। लेकिन ये तस्वीरें बहुत बेचैन कर रही हैं। संगीता के भाई या जो भी उनके करीबी उनके पास होते हैं वो निकट के रोने लगते हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक संवेदनशील होते हुए उसको रखते हुए, संवेदनशीलता को रखते हुए, एक जिम्मेदार नेटवर्क होते हुए हम उस दर्द में जरूर उनके शरीक हैं, लेकिन कोशिश ये है कि पुलिस की किसी काम में बाधा या प्रतिबंध ना हो। तो फिलहाल आप देखिए, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस शव वाहन के भीतर दोनों बच्चों के शव यहाँ पर लाए जा रहे हैं और ये एक गमगीन पल है उस पूरे परिवार के लिए, पूरे उस गली के लिए जहाँ पर दो नौनिहाल जो हंसते खेलते रहा करते थे, लेकिन वो अब इन सभी लोगों के बीच यहाँ पर नहीं है। और ये दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बदायूं के घर से जहाँ पर बीती रात जावेद और साजिद नाम के दो व्यक्तियों ने 14 और 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची तो मासूमों का इस हाल में देखकर कांप गई। लोगों को समझाया बुझाया, लोगों से बात की, जानकारी मिली कि दरिंदे पास के जंगल में छिपे हैं। पुलिस ने बिना मौका गवाए जंगल पर धावा बोल दिया। चारों तरफ से घिरे आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। थोड़ी देर की शांति के बाद जब जंगल में तलाशी हुई तो आरोपी का शव बरामद कर लिया गया। हालांकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया।